नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज के दिन मैं लेके आया हूँ एक नई गाड़ी का रिव्यू, जो कि है टाटा नेक्सॉन ZX से पेट्रोल ऑटोमेटिक। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में और ये भी जानते हैं कि ऑटोमेटिक गाड़ी को चलाते कैसे हैं। चलिए सबसे पहले एक वॉक अराउंड लेते हैं और फिर गाड़ी में बैठ के कुछ डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो गाइस ये है इसकी कीज़। तो चलिए पहले इसको ऑन करते हैं। ये प्रेस करने के बाद ये गाड़ी ऑन हो जाएगी। ऑटोमेटिक मिरर्स है इसमें और वापस लॉक करने के लिए ये है, इसको प्रेस करोगे तो वापस मिरर्स अपने आप बंद हो जाते हैं। इसमें प्रोजेक्टर हेड लैम्प्स आते हैं और जो इसके फोग लैम्प्स है वो कंपनी नहीं देती ये मॉडल में। ये सनरूफ वाला मॉडल है, इसमें सनरूफ भी है। तो चलिए सबसे पहले बैठते हैं गाड़ी में। ऑन किया और बैठ गए। एक्चुअली इसका डोर वगैरह काफ़ी हैवी है, आप जब ओपन करोगे तो आपको फील होगा कि बहुत हैवी है और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये इसका अंदर का पूरा इंस्ट्रूमेंट पैनल, स्टीयरिंग व्हील, जो स्पीडोमीटर है वो, एसी कंट्रोल्स, एसी वेंट्स, डोर वगैरह सारा चीज़ है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं गाड़ी को और जानते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स है और क्या डिटेल्स है। और अपने को ये ऑटोमेटिक वर्जन है तो इसको ऑटोमेटिक गाड़ी को चलाते कैसे वो भी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे की को इंसर्ट करते हैं। 1 2 दो बार घुमाओगे, थर्ड टाइम, तीसरी बार घुमाओगे तो स्पीडोमीटर अपना चालू हो गया। और ऑटोमेटिक गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए आपको इसको न्यूट्रल पर रखना है। आप पहले गियर समझ लो, इसमें कुछ करना नहीं है क्योंकि इसमें क्लच तो है नहीं, सिर्फ ब्रेक, एक्सेलेटर और ब्रेक है। तो आप सबसे पहले इसको समझिए गियर को। ये जो मिडल में है वो न्यूट्रल है, ये ऑटोमेटिक है पीछे, और आप आगे करोगे तो रिवर्स है। ये बेसिक है गियर्स का। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने के लिए न्यूट्रल पे रखते हैं। न्यूट्रल पे रखने के बाद आपको जो ब्रेक है वो प्रेस करके रखना होगा और उस साथ साथ में ब्रेक प्रेस करके रखिए हल्का, और फिर इसकी जो कीज़ है उसको आप घुमाइए। बस एक सेकंड भी घुमाएंगे तो गाड़ी अपनी स्टार्ट हो जाएगी। आपको गाड़ी स्टार्ट होने के बाद पता नहीं चलेगा कि गाड़ी स्टार्ट हो गई, कि गाड़ी का इंजन काफ़ी स्मूथ है, पेट्रोल इंजन है। तो फिर जब आप रेस दोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। अगर आपकी गाड़ी न्यूट्रल में है, रेस दोगे तो पता चलेगा कि गाड़ी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आपका जो ये डिस्प्ले पैनल है वो भी चालू हो गया है। आप सबसे पहले एसी ऑन कर दें क्योंकि काफ़ी गर्मी हो रही है। तो ये आपका जो है वो एसी का बटन है, ये प्रेस करके आप एसी चालू कर सकते हैं। यहाँ से आपको कितना एयर फ्लो चाहिए वो आप सेट कर सकते हो, कूलिंग लेवल आप इससे सेट कर सकते हो, जितना आपको कूलिंग चाहिए, जितना ब्लू पे रहेगा यहाँ पे रहेगा तो मैक्सिमम कूलिंग है। जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे वैसे कूलिंग कम होती जाएगा। और अगर गर्म हवा चाहिए, हीट चाहिए, तो आप इसको इस तरफ कर देंगे तो जो आपका एसी वेंट से जो हवा आ रहा है वो गर्म आएगा, लेकिन अभी तो कूलिंग ही रखना क्योंकि काफ़ी गर्म हो रहा है। और ये है मोड्स के बारे में। अगर आपको फ्रंट में चाहिए हवा तो ये मोड है, फ्रंट और नीचे पैर के पास भी चाहिए तो ये मोड है, सिर्फ पैर के पास चाहिए तो ये मोड है, और घुमाएंगे तो ये आपके पैर के पास और प्लस ऊपर आपके मिरर के पास। जब आप ठंडी वगैरह में गाड़ी चलाते हो, बारिश चलाते हो, तो अगर आगे फॉग जमा हो रहा है तो आपको ये मोड पर रखना है। और कंप्लीट बहुत ज़्यादा फॉग है तो उसको पूरा टर्न कर दीजिए। तो इसका जो पूरा एसी का जो पावर है एयर का वो सामने की इसके ऊपर रहेगा, सामने की विंडशील्ड पे, तो उससे आपको फोग गाड़ी में जमानी होगा। तो चलिए इसको पहले नॉर्मल मोड पे करते हैं। फ्रंट वाले मोड पे कर दिया, एसी ऑन है। ये जो स्विच है आपका ये सर्कुलेशन का है। अगर आप ये प्रेस करते हो, जैसे कि मैंने अभी प्रेस किया, तो ये जो गाड़ी का अंदर ही हवा है ना उसको सर्कुलेट करेगा और कूलिंग कैपेसिटी आपको ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अब जब बाहर कहीं हो जहाँ पोल्यूटेड एरिया नहीं है, आप गार्ड मतलब पहाड़ों में हो या कहीं ऐसी जगह पे हो जहाँ नेचर अच्छा है, तो आप इसको बंद करके भी चला सकते हो, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। ये उसके लिए ही है। तो चलिए अब गाड़ी तो स्टार्ट हो चुका है। आप और एक चीज़ दिखाता हूँ आपको कि इसको लॉक कैसे करते हैं। अगर आप गाड़ी इसमें बैठ गए हो, आपको सारे डोर्स को लॉक करना है, तो आपको इसको अंदर की तरफ प्रेस करना है, सारे डोर्स बंद हो गए, वापस खोलना है। तो जिसको मैंने प्रेस किया था उसको ही अगर बाहर की तरफ खींचूंगा तो ये सब भी खुल गए। देखिए मैंने अभी फ़िलहाल लॉक कर दिया है,
ये हैंड ब्रेक है जो खींचा हुआ है, ये हैंड ब्रेक खींचा हुआ है, हैंड ब्रेक को नीचे करने के लिए बटन दबाना है और नीचे कर देना है। स्टीयरिंग्स पे इसके कंट्रोल्स हैं म्यूजिक के, देखिए जैसे चेंज हो रहा है, यहाँ से आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो, ये चैनल्स चेंज कर, इसे चैनल्स चेंज कर सकते हो, ये फ़ोन के लिए है, ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो आप अपने गाड़ी के सिस्टम में, अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हो फ़ोन वगैरह के लिए। चलिए पहले आप इसको चलाते हैं, इसको फ़िलहाल ऑफ करते हैं और इसको चलाते हैं पहले गाड़ी को। तो इसको मैं अभी ऑटो में डालूंगा, मेरे सामने कोई गाड़ी नहीं है, स्पेस काफ़ी है, तो मेरे को रिवर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं ऑटो में डालूंगा। और जैसे ही मैंने हैंड ब्रेक नीचे किया, जैसे ही मैं ब्रेक छोड़ूंगा हल्का सा भी, गाड़ी ऑटोमेटिकली आगे जाएगी, ऑटोमेटिकली आगे जाएगी गाड़ी। तो जैसे कि आगे जा रही है अभी, अब मैं आपको रिवर्स लेके भी दिखाता हूँ थोड़ा सा। अब ब्रेक दबा के आपको करना है ये सब चीज़, ये जो चेंजेस करना है वो ब्रेक दबा के करना है, ये न्यूट्रल, और ये जब आर पे गया तो ये रिवर्स पे आ गया, तो अब गाड़ी जब मैं ब्रेक छोड़ूंगा तो वो रिवर्स आएगी। इसमें सेंसर भी दिया हुआ है, अगर आपके पीछे कोई है तो वो आपको सेंस करेगा इसके इसमें, और काफ़ी यूजेबल है वो फीचर्स इसका, ये गाड़ी का। तो चलिए फिर चलाते हैं इस गाड़ी को, चलाते हैं, पहले मैं इसको ऑटो में लेता हूँ ब्रेक दबा के, और फिर जैसे ही ब्रेक छोड़ूंगा गाड़ी ऑटोमेटिक आगे जाएगी। तो इसको हम चलाते हैं पीछे देख के, कभी भी आप गाड़ी निकालो रोड पे, अगर साइड में खड़े हो तो आपके साइड मिरर में देख लो पीछे से कोई आ, जैसे कि अभी गाड़ी आ रहा है तो मैं पीछे से नहीं, अभी नहीं निकालूंगा, इनके गुजरने के बाद ही निकालूंगा, अभी एक ऑटो आ रहा है इसको भी जाने दो, उसके बाद अब निकलते हैं अपन आराम से। एक बाइक भी आ रहा है लेकिन वो निकल जाएगा साइड से। चलिए चलते, एक छोटा सा राउंड मार के आते हैं। देखिए आपने, मैंने अभी सीट बेल्ट नहीं पहना है, और ये गाड़ी में अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहने हो तो आपको ये वॉइस जो है वो इरिटेट कर देगा, तो सीट बेल्ट तो आप पहन ही लो। अभी फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए नहीं पहन रहा हूँ, लेकिन मुझे भी पहनना पड़ेगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ही नॉइस है इसका, और ये ज़रूरी है आपके सेफ्टी के लिए, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए, तो ज़रूरी है आपको सीट बेल्ट पहनना। चलिए पहले सीट बेल्ट पहनते हैं, तो सीट बेल्ट पहनते हैं ये, इसको सीट बेल्ट पहन लिया और अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से घुमाते हैं वापस वहीं जाते हैं, और जो भी और थोड़े बहुत डिटेल्स है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अब मैं यू टर्न ले रहा हूँ, फ़िलहाल मेरा ऑटो में ही था ये, तो ऑटो में है तो आपको कैसा ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है नहीं इसको चलाने में, सिर्फ ब्रेक छोड़ना है गाड़ी ऑटोमेटिक आगे जाएगी, एक्सलेट देना है, पीछे देखना है कोई आ तो नहीं रहा है साइड मिरर में, और उस हिसाब से आपको पूरा ऑटोमेटिक मतलब पूरा कंप्लीट टर्न लेना है, फुल टर्न बोलते हैं इसको ड्राइवर लोग की लैंग्वेज में। इसके गियर में लैग आप बोलोगे तो है, थोड़ा सा है लैग, ऐसा कांस्टेंट जैसा होंडा वगैरह में आता है, होंडा के सीआरवी वगैरह मैंने चलाई है तो उसमें जैसा आता है वैसा नहीं, इसमें थोड़ा सा लैग है लेकिन मारुति से कम है, मारुति में बहुत ज़्यादा लैग है, इसमें थोड़ा सा मारुति से कम है, उतना पता नहीं चलता लेकिन लैग तो है, थोड़ा सा लैग आपको फील होता है, लेकिन जब आप कंटिन्यूसली गाड़ी चलाने लगोगे ये वाला तो फिर आपको हैबिट हो जाएगा कि किस टाइम पर ब्रेक छोड़ना है, किस टाइम पर एक्सीलेटर छोड़ना है। जैसे आप थोड़ा स्पीड अप होते हो और आप एक्सीलेटर छोड़ोगे ना तो ऑटोमेटिक गियर चेंज होगा, जैसा मैनुअल व्हीकल में होता है ना वैसा इसमें भी होता है, तो आपको थोड़ा कम फील होगा जब आपको एक हैबिट हो जाएगा तो। और जब भी आप कहीं पे रुकोगे तो आपको इसको न्यूट्रल पे कर लेना है, ये जो गियर है इसको न्यूट्रल पे कर लेना है, न्यूट्रल पे कर लिया आप हैंड ब्रेक खींच दो और खड़े रहो बिंदास, आपको कहीं जाना है उतर के तो आप जा सकते हैं, फिर मतलब कहीं आपको ऐसा पार्क वगैरह करना है तो। तो गाइस चलिए जानते हैं अब इसके सनरूफ के बारे में, सनरूफ वाली गाड़ी है तो सनरूफ कैसे खोलते हैं। इसमें तीन बटन है, एक ओपन करने के लिए सनरूफ खोलने के लिए, दूसरा बंद करने के लिए, और तीसरा है कि आपको सिर्फ बाहर का हवा वगैरह चाहिए उसके लिए है, तो ये है। चलिए करके देखते हैं, ये बटन प्रेस करते हैं पहले, तो अपना सनरूफ ओपन हो गया। अब इसको बंद करना है तो ये दूसरा बटन है, लेकिन मैं पहले आपको इसको पहले चलिए बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं, दूसरा बटन है उससे इसको बंद कर दिया,
अब लेकिन मैंने बंद कर दिया, लेकिन मुझे फिर भी बाहर का हवा चाहिए, तो ये तीसरा बटन है, ये तीसरा बटन आप प्रेस करोगे ना तो देखिए क्या हो गया, ऐसे आपको पता चलेगा। पहले इसको बंद करता हूँ, ये तीसरा बटन प्रेस करेंगे तो वो ऐसे ऊपर से खुल रहा है। अभी फ़िलहाल इसको बंद कर देते हैं, और इसको कंप्लीट बंद करने के लिए आपको ये हाथ से बंद करना है, ये ऑटोमेटिक बंद होता नहीं है, तो इसका टेंशन मत ले। और पीछे का डिक्की जो है वो खोलने के लिए यहाँ पे एसी वाले पैनल के नीचे ये दिया हुआ है। ये सब बटन एक्स्ट्राज है, कभी आप अलग से कुछ अगर इंस्ट्रूमेंट लगाओ, कुछ एडिशनल कुछ लगाओ, उसके लिए दिया हुआ है, डिक्की के लिए ये दिया हुआ है। ये प्रेस करोगे तो डिक्की खुल जाएगा इसका। और एक चीज़, अगर आपको इसका बोनट खोलना है आगे का, तो एकदम नीचे साइड में एक स्विच दिया हुआ है, इसको ऊपर की तरफ खींचोगे तो वो खुल जाएगा। पेट्रोल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, पेट्रोल का ढक्कन खोलने के लिए, इसको ऊपर की तरफ खींचोगे तो पेट्रोल का ढक्कन भी खुल जाएगा। ये आपका वाइपर के लिए दिया हुआ है, इसको ऊपर की तरफ करेंगे तो वाइपर चालू हो जाएगा आपका। इसमें अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए होते हैं, एक पॉइंट ऊपर, इसमें ऊपर की तरफ दिया हुआ है, मारुति में नीचे की तरफ होता है, इसमें 1, 2, 3, 4 जितना स्पीड चाहिए आपको उसके हिसाब से है। ये है आपके लाइट्स के लिए, जब आप इसको ऊपर की तरफ खींचोगे तो अपर चालू होगा, इसमें जब आप पास देते हो ना जो रोड पे चलते हो, वो पास चालू होगा। कंटिन्यूसली आपको अपर पे चलाना है तो उसको नीचे की तरफ धकेलिए, कंटिन्यूसली अपर की तरफ चलेगा। इंडिकेटर देना है, लेफ्ट देना है तो लेफ्ट कीजिए, ऊपर की तरफ राइट देना है तो नीचे कीजिए, वो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। और जब आप टर्न लोगे ना, टर्न लोगे सीधा करोगे वापस स्टीयरिंग ना, तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। और यहाँ पे इसका मिरर कंट्रोल दिया हुआ है, ये जो आप देख रहे हो वाइट कलर का, अब जैसे कि लेफ्ट साइड का है तो लेफ्ट साइड को मैं घुमाऊंगा तो लेफ्ट साइड का मिरर कंट्रोल होगा। देखो आपको जैसा चाहिए वैसा आप उसको प्रेस करोगे ऊपर आगे पीछे ना, तो वैसा वो ऊपर नीचे होगा। अभी राइट साइड का करके देखते ही, देखो इसको बीच में करना है, अभी राइट में करेंगे तो राइट का होगा, देखिए हो रहा है। तो ये चीज भी आप समझ लीजिए। और ये आपके मिरर्स, अपना विंडो, अपना ये जो डोर है, डोर के ग्लास के लिए दिया हुआ है चारों के लिए। तो अगर आप ये प्रेस, देखिए ये लाइट जल रहा है तो ये प्रेस है, तो मेरे अलावा बाकी कोई नहीं खोल सकता इसे, जो ड्राइवर, मतलब जो आप अगर ड्राइवर सीट पे हो तो ड्राइवर के अलावा नहीं खुलेगा, आपसे खुलेगा। जैसे कि आप प्रेस करोगे ना तो खुलेगा ग्लास, लेकिन अगर आप यहाँ से प्रेस करोगे, यहाँ पे जो स्विच दिया हुआ है यहाँ से प्रेस करोगे तो नहीं खुलेगा। उसके लिए आपको यहाँ जो पहले ये बटन है ये प्रेस करना पड़ेगा, ये लाइट बंद हो जाएगा, ये बंद हो गया। अब आप यहाँ से भी खोल सकते हो इसको, देखिए आप यहाँ से भी खोल सकते हो। तो ये चाइल्ड के लिए दिया हुआ होता है, अगर गाड़ी में बच्चे वगैरह हैं आपको लॉक करके रखना है, वो क्या मस्ती मस्ती में खोलते हैं, हाथ रख देते हैं, तो आप लॉक करके ये लॉक कर सकते हो यहाँ से। अब गाड़ी को ओपन करने के लिए तो मैंने बताया, फिर भी एक बार बता देता हूँ। अब जैसे कि अभी लॉक है लेकिन मुझे खोलना है, तो इसको आप खींचोगे ना तो सारा एक साथ खुल जाएगा, और वापस प्रेस करोगे यहाँ से तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। गाइस और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना है आपको, ये अभी जो गाड़ी है वो अपनी सिटी मोड पे आपको स्पीडोमीटर पे दिख रहा है, और ये उसको चेंज करने का बटन है, इसको आप घुमाओगे ना तो ऑटोमेटिक चेंज होता है। देखिए अब ये स्पोर्ट्स, और बोल भी रहा है गाड़ी तो ऑटोमेटिक बता रहा है आपको, टेंशन नहीं है। वापस घुमाओगे तो इकोनॉमी ड्राइव जब अगर आप चलाओगे तो आपको माइलेज थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन मिलेगा, लेकिन आप सिटी वगैरह में चल रहे हो तो ठीक है। अभी देखिए अब सिटी ड्राइव मोड है, आप सिटी में हो तो सिटी ड्राइव में चलाइए, इसको कुछ करना नहीं है ड्राइव मोड के लिए, आपको सिर्फ इसको घुमाना है, जितना घुमाओगे वो चेंज होती जाएगा। अभी सिटी ड्राइव मोड पे ही रख के चलाते हैं, क्योंकि सिटी में ही चला रहे हैं तो सिटी ड्राइव मोड ही रखते हैं। तो गाइस आपने अभी सारा डिटेल्स देखा नेक्सॉन के बारे में, जो कि बेसिक मैंने सारा डिटेल्स आपको बता दिया। और एक चीज़ भूल गया था जो कि बहुत बेसिक है, इसके डैशबोर्ड को खोलना। तो देखिए आप इसको डैशबोर्ड को खोलने के लिए एक बटन यहाँ पे दिया हुआ है, बटन को आप प्रेस करोगे तो डैशबोर्ड खुल जाएगा, और इसको वापस बंद करोगे तो बंद हो जाएगा। तो लगभग सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसके इंस्ट्रूमेंट्स पैनल को, एसी वगैरह को, जो पैनल्स है उसको मेन, मतलब कैसे ऑपरेट करना है वो मैंने बता दिया। अब आते हैं इसके परफॉर्मेंस के ऊपर। तो परफॉर्मेंस की बात करूँ तो गाड़ी का परफॉर्मेंस लाजवाब है, गाड़ी का पिकअप काफ़ी अच्छा है, गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है, तो आपको कहीं पर भी कितना बड़ा भी ब्रेकर आ जाए, बड़ा खड्डा आ जाए, तो ईजिली SUV जैसा फील आपको देगा ये गाड़ी। और पेट्रोल इंजन होने की वजह से परफॉर्मेंस तो कुछ अलग ही है इसका, नो जीरो साउंड है गाड़ी में। बिल्ड क्वालिटी तो टाटा का आप सबको पता ही है। इसके माइलेज की बात करूं, अगर मैं इसके माइलेज की बात करूं तो कंपनी 17 का क्लेम करती है, लेकिन 17 का देती नहीं है अभी फ़िलहाल। अभी ये गाड़ी लगभग 3000 के किलोमीटर के आसपास चली है, जिसमें मैं बैठा हूँ अभी। तो ये गाड़ी मुझे सिटी में
10 का माइलेज दे रही है, 8 से 10 का माइलेज दे रही है, और हाईवे पे ये जो गाड़ी है वो मैक्सिमम 12 से 13 माइलेज दे रही है। अगर कांस्टेंट चल रहे हैं तो 17 नहीं दे पा रही। ऑटोमेटिक कोई भी गाड़ी है उसमें माइलेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि गियर शिफ्टिंग अगर आप बाइक और स्कूटी से कंपेयर करोगे तो स्कूटी में माइलेज कम है सेम सीसी में, और बाइक में माइलेज ज़्यादा है। और जो भी राइडिंग के पैशनेट बंदे होते हैं उनके लिए ऑटोमेटिक नहीं है, उनके लिए उनको मैनुअल में ही मजा आता है कि क्लच दबाया, गियर लगाया और निकल गए। तो मजा इसमें भी है, आप सिटी में अगर ड्राइव करते हो तो आपको ऑटोमेटिक चलाने में बहुत मजा आएगा, कुछ करना नहीं है, सिर्फ एक्सीलेटर ब्रेक दबाओ और आराम से चलते रहो, गियर वगैरह चेंज करने का प्रॉब्लम नहीं है। तो हर चीज़ का कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है। तो यही था एक बेसिक इन्फॉर्मेशन गाड़ी का, जो कि मैंने आपको सारा बता दिया। और भी कुछ आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। टाटा ने तो अभी नया नेक्सॉन मॉडल भी लॉन्च कर दिया है, जिसमें आगे का जो हेडलाइट है वो थोड़ा सा चेंजेस है, बाकी इंजन वगैरह सब सेम है, परफॉर्मेंस गाड़ी का सेम है, टायर वगैरह भी इसके अच्छे, काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, एसयूवी की टाइप, मतलब ये एसयूवी जैसी ही गाड़ी है, वो आप कंप्लीट एसयूवी नहीं बोल सकते लेकिन एसयूवी टाइप आपको फील दे देगा ये गाड़ी। और बिल्ड क्वालिटी में तो टाटा और नेक्सॉन का, स्पेशली नेक्सॉन का, बहुत सारे आपने रील्स देखे होंगे वायरल कि अच्छी अच्छी गाड़ी की बैंड बच जाती है इसे टकराने के बाद। सेफ्टी वगैरह, एयरबैग्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं इसके, और सेफ्टी रेटिंग में इसको 5-स्टार रेटिंग भी है क्रैश टेस्ट में। तो गाड़ी तो अच्छी है फैमिली के, अगर आपका छोटा फैमिली है 3-4 लोग हैं तो नो डाउट आप ये गाड़ी लीजिए, और अगर आपको सिटी ड्राइव है, बहुत ट्रैफिक में चलना है तो ऑटोमेटिक लीजिए, नहीं तो मैनुअल में भी अवेलेबल है ये, मैनुअल भी चलाने का मज़ा बहुत ज़्यादा है। अगर आप पैशनेट हो तो मैनुअल चलाने में बहुत मज़ा है, बहुत। मैं मोस्टली मैनुअली चलाता हूँ तो मैनुअल चलाने का मज़ा अलग है। फिर भी आपको अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे बताइए, मैं कमेंट बॉक्स में मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और फिलहाल के लिए वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, गुड।